मुख्यमंत्री जी लगातार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, गर्मी का, कह रहे हैं जो हमारा विपक्ष है ज्यादा अगर होगा तो हम गर्मी निकाल देंगे, जून में भी हम गर्मी निकाल देंगे। हाँ, वो मौसम वैज्ञानिक एक्सपर्ट है तो मुझे यकीन है कि वो माने पूरे विश्व में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मैं तो अपील करूंगा कि आइंदा जब वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होगी तो मुख्यमंत्री को वहां पर बुलाया जाए, वो बताएंगे देश को, पूरी दुनिया को ज्ञान देंगे कि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से हो रहा है या जबान से हो रहा है, बता देंगे। सर, सवाल ये है कि अभी योगी जी ने बयान दिया है कि सर आप वोट अपने जनताओं को कि वोट सोच समझ के करें, कहीं ये बंगाल और कश्मीर ना बन जाए, क्या कहते हैं? ये अजीब अजीब मुख्यमंत्री, उसको अपने प्रदेश से मोहब्बत नहीं है, बंगाल कश्मीर की बात करते हैं, तुमको अपने प्रदेश से मोहब्बत होनी चाहिए ना, उनको दिमाग में ये क्यों आता है हमको नहीं मालूम। सर, उत्तराखंड के वजीर आला ने ये बयान दिया था कि अगर हुकूमत रिपीट होती है तो कॉमन सिविल कोड का निपास किया जाएगा। अरे उनके उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो को पढ़ा, उसमें जिक्र ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बयान दिया, देखिए पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जिक्र नहीं है और आखिरी दिन उन्होंने बात कही है, बिल्कुल आखिरी दिन उन्होंने कही है, तो वो बोखलाहट में बोल जाते हैं, जमीन खिसक रही है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत देखा गया कम है, दूसरे चरण में देखा गया क्या, तो ये क्या जनता का गुस्सा है जो इतना कम हो रहा है, या कुछ लोग बता रहे कि पॉजिटिव वेव में कि ये लोगों का गुस्सा है कि जो लोग वोट पर चढ़ के दे रहे हैं, वोट प्रतिशत बहुत कम आ रहा है पिछली बार से ज्यादा 2017 के चुनाव, पहला चरण और दूसरा चरण। नहीं तो 4% तो ठीक ही पड़ा है, पहले फेज में मुझे लगता है 3-4% कम हुआ और सेकंड फेज में भी कम हुआ। तो ये नाराजगी है कि उत्साह है? देखिए ये तो मैं मानूंगा, ये हम पॉलिटिकल पार्टियों की भी कुछ कमी है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी कमी है कि जो हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए, जो लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए वो हम नहीं कर सके, और कुछ उदासीनता भी लोगों की हो सकती है पॉलिटिकल सिस्टम से, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी खास करके जिस एरिया में चुनाव हो रहे थे किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध था, गवर्नमेंट के खिलाफ थे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। पहले दोनों फेज के बाद समाजवादी पार्टी कॉन्फिडेंस में है, उनका कहना है कि मुस्लिम का जितना भी वोट है 100% उनके खाते में गया है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, दूसरे समाज का नहीं गया? दूसरे समाज का नहीं गया? एक ही समाज वोट डालता है क्या? अतिरिक्त में बता रहे हैं, अतिरिक्त। अच्छा, दूसरे का नहीं मिला उनको, फिर तो खाक चुकना चूर हो जाएंगे। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।